अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कीवर्ड की कि जावा में फाइनल कीवर्ड कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे पहले हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी जब हम कॉन्स्टेंट्स का टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो मैंने कुछ वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट बनाया था फाइनल की वजह से। तो आज हम उसका फाइनली वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने वो क्यों यूज़ किया था और कैसे यूज़ किया था, और उस टाइप थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ी सी चेंज करा था जो कि मुझे नहीं हुई थी, मुझसे कुछ चेहरे आए थे। तो अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी वो उस प्रोग्राम में क्यों एरर आ रहे थे और क्या चक्कर चल रहा था। जैसा कि फाइनल अपने नाम से बताया कि फाइनल क्या होता है, फाइनल को हम उर्दू में जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हतमी, हिंदी में आखिरी या वगैरह वगैरह या कुछ इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इससे मुराद ये होता है कि फाइनल से मुराद आखिरी होता है, यानी इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होती। तो फाइनल क्यों यूज़ होता है? फाइनल अमूमन यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। रिस्ट्रिक्ट के कैसे? ठीक है, कुछ चीज़ें करने से मना किया जाता है, वो कैसे? वो आपने कॉन्स्टेंट में भी देखा था कि हम उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो कैसे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है वो तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। ठीक है, तो पहला सवाल आता है कि रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्ट तीन तरीकों से किया जा सकता है, वेरिएबल से किया जा सकता है, क्लासेस से किया जा सकता है और मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के कैसे किया जा सकता है? वेरिएबल से ऐसे किया जा सकता है कि जिस वेरिएबल के साथ फाइनल यूज़ हो जाता है वो वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। जैसे कि फाइनल 8 इज इक्वल टू 5, तो अब ए की वैल्यू हमने इंटीजर टाइप की 5 साइन कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, बाद में 1 को 6 करेंगे तो चेंज नहीं हो सकेगी बल्कि एरर आएगा। ठीक है, तो फाइनल को वेरिएबल के साथ यूज़ करके हम उनको कॉन्स्टेंट बना सकते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, कॉन्स्टेंट कंसेप्ट नहीं है जावा में, तो हम फाइनल और स्टैटिक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैटिक कैसे यूज़ करते हैं वो बाद में आपको बताऊँगा। तो इसके साथ साथ तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फाइनल को ब्लैंक वेरिएबल्स यानी खाली वेरिएबल या छड़े वेरिएबल्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो उन वेरिएबल्स को हम ब्लैंक फाइनल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लैंक तो वो होते ही होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ अगर फाइनल भी लगा दे तो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल्स या अन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स जिनको हमने इनिशियलाइज नहीं किया होता, तो वो हमारे स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में चलते रहते हैं। तो उनको इनिशियलाइज कैसे करना है? उनको इनिशियलाइज करते हैं हम कंस्ट्रक्टर्स की मदद से। ठीक है, तो ये था वेरिएबल्स का टॉपिक। अब बढ़ते हैं क्लासेस की मदद से। क्लासेस के साथ फाइनल वेरिएबल यूज़ होता है, वो क्यों यूज़ होता है? तो फाइनल इसीलिए यूज़ होता है कि इससे इनहेरिटेंस ना हो। ठीक है, जिस क्लास के साथ फाइनल यूज़ हो जाएगा उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बनेगी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ तो फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें इनहेरिटेंस भी होते तो वो एक्सटेंड भी नहीं हो सकती, तो इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। फाइनल क्लास का कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने एक क्लास ए बनाई है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी कोड है उसको मैं क्लास बी बनाता हूँ और क्लास ए को एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, यानी क्लास ए का चाइल्ड बनाना चाहता हूँ क्लास बी को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? फाइनल क्लास ए फाइनल है, तो फाइनल क्लास का हम चाइल्ड ही बना सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि मेथड्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो प्रिवेंट डिफिनेशन फ्राम सब क्लासेज, यानी हमारा कोई मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हो, अगर उसके साथ हमने फाइनल यूज़ किया होगा तो सब क्लासेज उसकी डिफिनेशन को चेंज नहीं कर सकती। तो इसकी डिफिनेशन को कैसे चेंज या कैसे इस्तेमाल होते थे, तो जैसे कि आप लोगों को याद है कि हम ओवर राइटिंग कर देते थे। ठीक है, ठीक है, तो जिस मेथड के साथ पेरेंट क्लास की जिस मेथड के साथ होगा, सॉरी मैं यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर गया कोड में, जिस क्लास के साथ तो जिस फंक्शन के साथ या जिस मेथड के साथ हमारा फाइनल लगा होगा, ठीक है, हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यानी चाइल्ड क्लास में हम वो है वैसा मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओवरराइडिंग बताई थी, तो ओवरराइडिंग के बाद अगर हम ओवरराइडिंग से अगर हम अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं या उससे अपना पीछे चलाना चाहते हैं, तो हमें फाइनल का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा उस मेथड के साथ जिसको हम ओवरराइड होने से बचाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ओवरराइडिंग को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट छोटा सा फाइनल का, यानी फाइनल में अगर वेरिएबल के साथ यूज़ हो तो वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, अगर मैथड के साथ यूज़ हो तो उस मैथड को
चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता या उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर क्लासेस के साथ यूज़ हो तो क्लासेस के हम चाइल्ड नहीं बना सकते या हमें इनहेरिटेंस नहीं ला सकते। तो ये हमारा कंसेप्ट था फाइनल का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।